भाई साहब लीजिए चाय। चाय आ गई जी। आप भी पिए मैं भी पीऊं। थैंक यू चाय के लिए। और आज आप क्या पढ़ रहे हैं इतने तन्मय होकर? मैं असल में सुधा जी मैं पढ़ रहा हूँ डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की आत्मकथा नील का निर्माण थे। और इसके एक बहुत ही भावनाशील प्रसंग से समय गुजर रहा हूँ और उसका मुझ पर भी असर हो रहा है। अरे सुनाइए। बैठिए, आप भी इसका लुत्फ उठाइए क्योंकि ये बड़ी अनोखी बात है। डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जो हैं, वो ये उनकी आत्मकथा है नील का निर्माण फिर। और इस आत्मकथा में उन्होंने जो कुछ भी लिखा है वो अपने जीवन के प्रसंगों को लिखा है। और उनका जीवन जो है वो प्रारंभ में से ही बड़ा दुखपूर्ण रहा। इसमें एक ऐसी कविता है जो प्रेम के दो प्रसंगों से जुड़ी हुई है, तो मैं उसी को पढ़ रहा था। मैं आपको पहले वो कविता सुनाता हूँ, फिर मैं आपको उसके पीछे की कहानी भी बताऊंगा। और आप सबसे भी मेरा अनुरोध है कि कृपया आप भी डॉक्टर बच्चन जी के जीवन में जुड़े हुए इन भावनात्मक प्रसंगों का आनंद उठाइए, उसके गहराई में जाइए और देखिए कि एक भावनाशील भावुक हृदय में जब कोई स्त्री की कोमलता प्रवेश करती है तो उसके जीवन में कैसे परिवर्तन होता है, प्रवेश कैसे होता है और उन सबका कविता पर और काव्य पर साहित्य पर क्या असर आता है। सबसे पहले एक कविता सुनिए और ये कविता बहुत महत्वपूर्ण है। ये बच्चन जी की कविता है। क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। दूसरा इसका बंध है। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन में बह सकी कब इस नयन की अश्रुधारा, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी, क्या करूं। ये वो कविता है जो बच्चन जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं। और देखिए इस कविता का एक पूर्व पक्ष है और एक उत्तर पक्ष है। पूर्व पक्ष ये है कि बच्चन जी का विवाह जो है वो श्यामा जी से हुआ था। श्यामा जी के साथ उनका बहुत ही सुखद जीवन चल रहा था, लेकिन इसी बीच में एक दिन श्यामा जी अस्वस्थ हो गए, गहरी बीमारी में चली गई। बच्चन जी ने उनकी रात दिन जागकर तीमारदारी की सेवा की और जब वो बिल्कुल स्वस्थ होने लग गई, लगा कि उन्होंने बीमारी को जीत लिया है, जीवन को जीत लिया है, मौत को पराजित कर दिया है, तभी एक दिन वे इस संसार से विदा हो गए। इस बात का बच्चन जी के जीवन पर बड़ा गहरा प्रभाव पड़ा और वे बिल्कुल अपने आप को एकाकी महसूस करने लगे, अकेले हो गए, उनका मन उछट गया, उनकी कविताओं में वो आकुलता, वो व्याकुलता, वो दुख, वो सारा जो उनके अंदर का ज्वार था, दुख का ज्वार, वो अभिव्यक्त
होने लगा। ऐसे में उनके परम मित्रों की टोली में दो ऐसे मित्र थे जो हमेशा बच्चन जी की इस अकेलेपन की भावना को गहराई से समझते थे। वे थे प्रेम प्रकाश जौहरी और आदित्य प्रकाश जौहरी नाम के दो भाई। आदित्य प्रकाश जौहरी मेरे भी मित्र रहे हैं और मैं आज जिस बारे में बातचीत कर रहा हूं उसके बारे में आदित्य प्रकाश जौहरी जी ने भी मुझे उन सारी बातों की जानकारियां दी थी, बताया था, जैसे बच्चन जी के जीवन में ये आत्मकथा में भी वही बातें आई हैं। और वह प्रेम प्रसंग घटित हुआ उसके प्रमाण में, उसके गवाही में, उसके लिए वहां उपस्थिति में आदित्य जी भी थे और प्रेम प्रकाश जी भी थे। हुआ ये था कि सबसे पहले जो उमा जी थी, उमा जौहरी और प्रेमा जौहरी, ये दो बहनें हैं, और दोनों बहनों का बाद में इन दोनों भाइयों के साथ विवाह भी हुआ, आदित्य प्रकाश जी के साथ और प्रेम प्रकाश जी के साथ। उमा जी ने अपनी एक सहेली जो कि एक आयरिश नाम की एक ईसाई लड़की थी, उसका परिचय बच्चन जी से इसी उद्देश्य से कराया था कि दोनों में परिचय हो, प्रगाढ़ता बढ़े, एक दूसरे के प्रति समझ पैदा हो और वे अगर एक दूसरे को पसंद करने लगे तो उनका विवाह संपन्न हो सके और बच्चन जी का वह हृदय का कोना जो श्यामा जी के जाने से सूना हो गया है वहां फिर से एक दूसरी स्त्री अपना स्थान बना सके। बच्चन जी भी आयरिश के प्रति आकर्षित थे, मेल मुलाकातें होती थी, बातचीत होती थी, लेकिन एक ईसाई परिवार में आयरिश की परवरिश होने के कारण आयरिश का एक अलग जीवन शैली थी, अलग तौर तरीका था। हम लोगों के जीवन में जितनी भावुकता है, जितना खुलापन है, जितनी आत्मीयता है, वो एक क्रिश्चियन परिवार में उस तरह की खुलापन और आत्मीयता जरा तो आयरिश मिलती हैं, बातचीत करती हैं, और भी कई नवयुवक उनसे मिलते जुलते हैं और उनका भी उद्देश्य आयरिश को प्रभावित करना है, लेकिन अंततः बच्चन जी को ऐसा प्रतीत होता है कि जैसा वो आयरिश से अपेक्षा कर रहे हैं आयरिश में वो भाव कहीं से नजर नहीं आता, दिखाई नहीं देता। और एक जगह तो वो ये भी लिखते हैं अपनी इस आत्मकथा में, नील का निर्माण फिर में बताते हैं, और वो आयरिश कवि ईट्स का एक कथन उद्धृत करते हैं कि आयरिश कवि ईट्स ने अपनी प्रेमिका मॉर्टगॉन के लिए लिखा था कि पत्थर की मूरत से किसी प्रकार की भावनाओं की अपेक्षा करना ही व्यर्थ है। इस तरह वो अपनी बात कह देते हैं ईट्स के शब्दों में और आयरिश की तरफ से उनका मन खंडित हो जाता है और ये कविता शायद पहले आयरिश के लिए भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करती है कि एक औपचारिक रूप से तुम्हारी संवेदनाएं और सिंपैथी जो मेरे प्रति हैं, मैं उन्हें लेकर क्या करूंगा, उसका मैं क्या करूं, क्योंकि लगातार जो है वो आयरिश और उनके बीच में एक औपचारिक संबंध है लेकिन किसी तरह की उसमें भावनात्मकता नजर नहीं आती। इसके बाद आयरिश से उनका मन टूट जाता है। बच्चन जी वापस अपने घर पिता के पास लौट जाते हैं। श्यामा जी की मृत्यु के बाद उनके पिता ही गृहस्थी का सारा भार संभाले हुए हैं और इस बात से बच्चन जी को बहुत सुकून है
के पिता सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। लेकिन प्रेम प्रकाश जी जो उनके मित्र हैं, वो फिर एक और प्रयत्न करते हैं और एक दिन 29 दिसंबर की आधी रात को अबोहर नाम की एक जगह जहां पर हरिवंश राय बच्चन जी को काव्य पाठ करने के लिए आमंत्रित किया गया था और कविताएं सुना करके जो है वो मंच से वे आधी रात को सर्किट हाउस लौटते हैं। यहां मैं आपको बता दूं कि मंच पर डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की उतनी ही धूम एक समय थी जितनी आज उनके बेटे अमिताभ बच्चन की फिल्मों में धूम और प्रतिष्ठा है। बच्चन जी के नाम से उनकी कविताओं को सुनने के लिए अपार भीड़ इकट्ठा होती थी और साहित्यिक रचनाएं मंच से सुनी जाती थी। उनकी मधुशाला तो आपको याद होगी, मधुशाला का नाम आप जानते होंगे। मधुशाला के लिए तो उनसे आग्रह किया जाता था। तो ऐसी एक काव्य गोष्ठी से जब वो आधी रात को लौटे तो सर्किट हाउस में उनके कमरे में एक लंबा टेलीग्राम रखा हुआ था। वो टेलीग्राम बरेली से भेजा था प्रेम प्रकाश जौहरी जी। एक लंबी इबारत थी लेकिन उसका लुब्बो लुबाब यह है कि किसी भी स्थिति में बच्चन तुम फौरन बरेली आ जाओ। दोनों मित्रों में इतना प्रेम, इतनी आत्मीयता, इतनी आपसी समझ थी कि बच्चन जी को इस पर फिर सोचने की भी आवश्यकता महसूस नहीं हुई कि कैसी क्या बात हो गई कि प्रेम ने मुझे इतनी आतुरता में आमंत्रित किया। उन्होंने दूसरे ही दिन किसी तरह दिल्ली जाने वाली एक ट्रेन पकड़ी, दिल्ली गए और दिल्ली से दूसरी ट्रेन पकड़ करके वो बरेली 31 दिसंबर 1940 की रात सुबह प्रातःकाल वो बरेली पहुंच गए। बरेली से वो तांगा स्टेशन से उन्होंने किया और उस बंगले में पहुंचे जहां प्रेम प्रकाश जी अपनी पत्नी प्रेमा के साथ रहते थे और वहीं पर उनके भाई आदित्य प्रकाश और आदित्य प्रकाश की शादी जिनसे होने वाली थी उमा जी भी वहां उस बंगले में रहते थे। उन्होंने सुबह खबर भिजवाई और प्रेम प्रकाश जी ने उन्हें सीधे अपने शयन कक्ष में बुला लिया। ठंड, 31 दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड। जैसे ही बच्चन जी वहां पहुंचे प्रेम प्रकाश जी ने उनका एक हाथ अपने हाथ में दबाया और रजाई के अंदर खींच कर उस पर इस तरह से देर तक खामोशी से अपने हाथ को दबाए रखे कि मैं तुम्हारी सारी वेदनाओं को जानता हूं मित्र, मैं सब समझता हूं, सब जानता हूं, तुम धैर्य रखो। फिर थोड़ा देर बाद उस कमरे में जब लोग सुबह सोकर उठे तो सबको वहीं बुला लिया गया और बताया गया कि बच्चन जी आए हैं, उमा जी आ गई, आदित्य प्रकाश जी आ गए। और आदित्य प्रकाश जी के आ जाने के बाद फिर वहीं कहा गया कि तेजी को भी बुला लो। अभी तेजी कौन है बच्चन जी को अभी तक पता नहीं है। और जब तेजी जी वहां आई तो बच्चन जी अपनी आत्मकथा में उनके बारे में क्या लिखते हैं मैं उन्हीं के शब्दों में आपको बताना चाहता हूं। वे लिखते हैं कि तेजी सूरी की मैं यहां से बताऊंगा आपको। दरवाजे का एक पल्ला धीरे से खुला और मिस सूरी ने कमरे में प्रवेश किया। मुस्कुराती, मझोले कद की, एकहरे बदन की, गौर वर्ण की, चेहरा अंडाकार, आंखें बड़ी, नाक लंबी, होंठ व भरे हुए पतले, दांत चमकीले और ठुड्डी इतनी ही गोल
कि नुकीली होने से बच गई। बिल्कुल ग्रीक महिला का वो। इस तरह वो पहली बार तेजी सूरी जी को देखते हैं और उनके बारे में जो ग्रीक का एक सौंदर्य विधान है उसके अनुरूप उनका वो चित्रण अपनी आत्मकथा में आंकते हैं। सब लोग वहां आए, बैठे, बातचीत हुई और फिर ये योजना बनी कि आज ऐसा करते हैं कि भाई शाम को बरेली शहर घूमने जाएंगे फिटन में बैठकर। फिटन यानी बग्घी, और उसमें सब लोग शाम को घूमने निकले और घूमते समय जो बैठक थी बग्घी में उसमें बच्चन जी को तेजी जी के बाजू में बैठने का अवसर मिला। और तभी तेजी जी ने कहा कि मेरा मन तो कोचवान के बाजू में जाकर बैठने का हो रहा है, वहां जो उसका आसन है, सीट है, वो जितनी ऊंची है, वहां जितनी हवा है, जितना खुलापन है, वो मुझे आकर्षित करता है। बच्चन जी जो अब तक खामोश रहे, दिन भर सीधे तेजी जी से कोई बात हुई नहीं थी, यहां वो एक वाक्य बोलते हैं, तब मुझे भी वहीं आपके बाजू में जाकर बैठना होगा। तेजी जी उन्हें देखती हैं और अवाक होकर देखती रह जाती हैं, क्योंकि बच्चन जी इतने महान कवि, उनकी महानता का पहले परिचय उन्हें मिल चुका है, उनकी इतनी प्रतिष्ठा देश भर में है, इससे वो वाकिफ हैं। इतना गरिमामय, इतना प्रतिष्ठित पुरुष उनसे कह रहा है, तब मैं भी कोचवान की सीट के बाजू में आपके पड़ोस में बैठना पसंद करता हूं। इतना कह करके असल में बच्चन जी ने अपने मन के उस उद्गार को व्यक्त कर दिया कि मैं तुम्हारा सानिध्य चाहता हूं, मैं तुम्हारी निकटता चाहता हूं। बस बात आई गई हो गई, कौन कोचवान के बाजू में बैठता। और घूम फिर करके शाम को सब लौट करके आए। रात को डिनर में फिर एक साथ इकट्ठा हुए और इस बार फिर से बच्चन जी को बैठने के लिए जो जगह मिली वो तेजी सूरी के बाजू वाली कुर्सी पर फिर से वो उन्हें बैठने का मौका मिला। और शायद अकस्मात ऐसा हुआ था, ऐसा बच्चन जी लिखते हैं, लेकिन शायद ही अकस्मात ना हो, ये सारे जौहरी परिवार का एक पूरा पहले से एक नियोजित जो है वो इसके पीछे योजना हो। खैर, तय हुआ कि डिनर के बाद सब लोग प्रेम प्रकाश जौहरी जी के कमरे में जमा होंगे और नया साल मनाएंगे, और नया साल जो है वो बच्चन जी की कविताओं को सुन करके मनाया जाएगा। बच्चन जी को इस पर क्या आपत्ति होती, और बाकी लोगों को बच्चन जी जैसे कवि से आमने सामने बैठकर घरेलू वातावरण में बिल्कुल निजी तौर पर कविता सुनने का जो सुख मिलने वाला था, उस अलभ्य सुख से भला कौन आप्लावित नहीं होता। तो सारे लोग उस कमरे में जमा हो गए। प्रेम प्रकाश जी ने कहा कि जो बच्चन जी, सबसे पहले हमें आपकी वही कविता सुननी है, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। तो ये कविता बच्चन जी ने फिर दोबारा सुनाई, और बच्चन जी ने दोबारा सुनाई तो मैं भी आपको दोबारा सुनाता हूं, क्योंकि अब इस कविता का उत्तर पक्ष शुरू होने वाला है, पूर्व पक्ष हो चुका है। सुनिए, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं, मैं दुखी जब जब हुआ संवेदना तुमने दिखाई, मैं कृतज्ञ हुआ हमेशा रीति दोनों ने निभाई, किंतु इस आभार का अब हो उठा है बोझ भारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, एक भी उच्छ्वास मेरा हो सका किस दिन तुम्हारा, उस नयन में बह सकी कब इस नयन की
अश्रुधारा सत्य की, सत्य को मूंदे रहेगी शब्द की कब तक पिटारी, क्या करूं संवेदना लेकर तुम्हारी क्या करूं। ये वही कविता है जो कभी आयरिस के लिए संबोधित हुई होगी ऐसा मैं सोचता हूं। और फिर जब ये कविता सुनाई गई, इस कविता के अंदर के जो दुख था, इसके अंदर जो उदासी थी, उस गहन उदासी ने उस पूरे वातावरण को उदास बना दिया। सारे लोग खामोश हो गए, निरभ्र शांति छा गई। और थोड़ी देर में बच्चन जी देखते हैं कि तेजी जी की आंखों से टप 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 आंसू बह रहे हैं। और जब बच्चन ने ऐसा देखा तो बच्चन जी की भी आंखों से आंसुओं की धार लग गई। इस तरह एक जोड़ा आंखों से आंसू उधर बहे, एक जोड़ा आंखों से आंसू इधर बहे, और उन दोनों की धार ने उनके जीवन को हमेशा हमेशा के लिए मिला दिया। और ये किसी ने नहीं कहा, बच्चन जी ने नहीं कहा मैं तुम्हें प्यार करता हूं, तेजी जी ने नहीं कहा मैं तुमसे प्यार करती हूं, क्योंकि जहां कहा जाता है वहां कहने वाला प्यार अगर जताया जाए बताया जाए वहां प्यार हो ही नहीं सकता। प्यार तो अभिव्यक्त हो जाता है, ग्रहण करने वाला उसे ग्रहण कर लेता है, कहने की सुनने की कोई बात इसमें होती ही नहीं। यहां वही हुआ, बच्चन जी ने अपने आंसुओं से जो कहा तेजी जी ने सुना, तेजी जी ने अपने आंसुओं से जो कहा वो बच्चन जी ने सुना, और दोनों के आंसुओं ने मिल करके एक नई दुनिया रची। और 1941 में अगले 2 महीनों के अंदर वो दोनों विवाह के एक अनोखे अनूठे जन्मजात बंधन में बंधे, और फिर सारा जीवन तेजी जी ने बच्चन जी के लिए, बच्चन जी ने तेजी जी के लिए अपना प्यार उड़ेल दिया। तो ये थी आज की इस झरोखा स्टोरी की, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी की वो कविता जिसके पीछे दो प्रेमों की कहानी थी, एक पूर्व पक्ष एक उत्तर पक्ष। अगली बार हम आपके लिए एक और ऐसी ही कहानी लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा कीजिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।